खबर है सिद्धार्थ नगर से। सिद्धार्थ नगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र स्थित बेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमेशा अपने कारनामों से सुर्खियों में रहता है, जिसका आज अचानक नवागत डीएम राजा गणपति आर ने बेवा सीएचसी का निरीक्षण किया। अचानक डीएम राजा गणपति आर के पहुंचने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जहाँ अव्यवस्थाओं को देख कर डीएम ने कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए अधीक्षक डॉक्टर विकास चौधरी को सख्त निर्देश दिए कि अस्पताल में जो भी कमियां हैं उसको जल्द सुधार की जाए। फार्मासिस्ट राजू द्वारा स्टॉक रजिस्टर ना दिखाने पर डीएम ने जमकर फटकार लगाई। मीडिया से बात करते हुए डीएम राजा गणपति आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर संचारी रोग अभियान के तहत निरीक्षण किया गया, कुछ कर्मचारी अनुपस्थित थे। अस्पताल में जो भी कमियां पाई गई हैं सुधार के लिए एक महीने का समय दिया गया है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर सूचित वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, संचारी रोग नियंत्रण अभियान पूरा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के क्रम पर चलाया जा रहा है, और जनपद सिद्धार्थनगर में माननीय सांसद जी और विधायक का निर्देश के क्रम पर संचारी रोग अभियान लगातार चल रहा है। तो उसके क्रम पर हमने सीएचसी बेवा में आज निरीक्षण किया सुबह। तो निरीक्षण में कुछ कमियों पाया, कुछ लोग अनुपस्थित पाया, तो फिर इन लोगों को चेतावनी भी निर्गत किया गया है, और साथ में जो कुछ अव्यवस्था फैलाया गया है उसका व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित किया, और ये एक महीना तक इन लोगों को टाइम दिया गया एमओएसी को, और एक महीने के बाद तक पुनर्निरीक्षण करूँगा। उम्मीद यह है ज़रूर, मतलब जो भी अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करके रखेंगे, और सभी जनपद का जनपदवासियों को अनुरोध यह है 15 दिन से जो ज़्यादा बुखार व्यक्ति को तुरंत आप नज़दीक सीएचसी या पीएचसी का डॉक्टर से संपर्क कर लो। हम जितना भी बीमारियों हार्ट बीमारी जैसे दिमागी बुखार या डेंगू या चिकनगुनिया उससे मतलब हम लोग बच सकते हैं और उनको जीत सकते हैं। थैंक यू।